हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल ग्रूवी बॉन्ग एंड दिस इज डोना सरकार। आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं अभी निकलने वाली हूँ थोड़ा सा स्कूटी राइड के लिए। मैंने अपने तीन दोस्तों को बोला है, मतलब दो दोस्तों को बोला है कि चलो हम लोग कहीं पर जाते हैं, आइधर टेंगापानी जाते हैं या फिर काकी जाते हैं, ये दोनों में से एक जगह पर जाते हैं। पर एक है अभी नींद से उठा और उसका और एक दोस्त है, वो जाएगी नहीं, लड़की है। तो मैंने सोचा था उन दोनों को बुला लेते हैं, लड़की है साथ में तो थोड़ा सेफ रहेगा। तो फिर उसने बोला कि अभी मैं नींद से उठा हूँ और वो लड़की जाएगी नहीं, तो बचा और एक दोस्त, थैंकफुली वो फ्री है। सोचा कि उसी के साथ जाते हैं और मैं आज अपना स्कूटी लेने वाली हूँ बिकॉज उसका जो बाइक है वो सर्विसिंग के लिए वो देने गया है। बस अभी निकलेंगे, आई होप बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा आज का ये राइड। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहो, मेरे को सपोर्ट करो और ये लाइक ज़रूर कर देना और एक कॉमेंट में बेस्ट विशेज डाल देना। Guys, just watch me bring my scooty out of my, just watch me bring my scooty out of my home to outside my gate. Just watch. काफी ज़्यादा धूप दे रहा है, why man? अम्मा माँ की बोलने मात्र शिव शक्ति कंबाइन रहना मेरे साथ, शिव शक्ति कंबाइन रहना मेरे साथ, प्लीज बाबा मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना और आज का दिन अच्छा करना बाबा, ठीक है? चलो बाबा चलो। गाइस मैं इतना ज्यादा डरपोक ना, पता नहीं क्या हो चुकी है, अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ ना। मैं अपने दोस्त को बुलाया, प्लीज मेरे घर के सामने आ जाओ और यहाँ पे स्कूटी रेडी है, हम लोग बस निकलेंगे। मैं निकल ही गई और उसको लेने उधर जाना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि प्लीज घर के सामने आ जाओ, इधर से हम लोग जाने वाले हैं इधर। और उस घर पे लगा है शादी, इतना बड़ा करके पैंडल बनाया ना, मजा आ गया देख के। और ये कार हमको रेड कार बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, और ब्लैक मैच साइन। और ये मेरा चाबी गिर गया उड़ के। गाइस मैंने कवर किया है 15 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम टिल जोबोका, राइट नाउ आई एम जोबोका। और काफ़ी मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वैसे मैं थोड़ा सा अपना एनर्जी को बूस्टअप कर लेते हैं, रेडबुल पी लेते हैं, उसके बाद अपनी आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। Head west on National Highway 27 toward Belogorri Pathar Road number 2. पानी के बीचों बीच, तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ से हमको लेना है यू टर्न मार के, हमको जाना है वापस पीछे। आप होजाई से अगर आ रहे हो तो सीधा आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, फिर आपको एक यू टर्न मिलेगा यहाँ से। आपको यहाँ से यू टर्न लेके वापस से जाना है टेंगापानी, जो कि कुछ ही दूर की दूरी में है। तो आप बस वीडियो देखते रहो, मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ पता कैसे कैसे पहुँचना है टेंगापानी फ्रॉम होजाई। मैंने अपना हेलमेट खोल लिया है, चूल भी मेरा हालत खराब हो रहा है और सनबर्न भी हो रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कब पहुँचूंगी। ऑफ रोडिंग का रास्ता है जहाँ से आप टेंगापानी की तरफ जा सकते हो एकदम सीधा। एक छोटी सी बच्ची आ रही थी इधर से, उसने बोला कि इधर से जाओ, सीधा जाते रहो, मिल जाएगा टेंगापानी। एंड टेंगापानी में मैं बहुत पहले आई थी, तो शायद ये टी गार्डन एरिया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा एकदम अच्छा से, और हमारा एक्सपीरियंस जो है बहुत ही बढ़िया होगा। दादा टिकट की मान प्राइस स्कूटी और बाइक 50 ইমান আমি আহিছিলো মান মা আগতে তেতিয়া ফ্রি আছিলে আগতে কম আছিল এতিয়া বুহা হৈছে কারৰ 150 ন আচ্ছা আচ্ছা টমটম 100 টকা টমটম 100 টকা এটো কিটি গার্ডেন হয় নেকি কোনটো টি গার্ডেন এ এ 333 কি কো ডেঞ্জার ন হয় ন মানু তো আহিব পাৰি ন আরাম ওকে কিন্তু বেছি ওপৰলৈ না যাবা হ ওকে বেছি ওপৰত না যাবা আচ্ছা আচ্ছা এনে গলে কি হ'ব মানে জঙ্গল হৈ আছে হেলমেট বেগ কিটা সব লগত ৰাখিব আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। गाइज आपको दार्जिलिंग जाने का ज़रूरत ही नहीं है, आसाम में ही आपको इतना सुंदर टी गार्डन मिल जाएगा ना, आप देख सकते हो। बस आप नज़ारा देखो, इतना खूबसूरत नज़ारा है हमारे होजाई के टाउन में भी। ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस व्यू। 300 मीटर्स टर्न राइट। रिलैक्स बॉयज। बाय दो कोर पर आही से अपना लुके हो जाय पर आही से फुरी बाही से अपनी मन धुनिया क्यों होय एतिया कि फुरा होय गल न हे फले पर आही से सेफ होय ना
ओके बाय बाय। पार हो जाए इसी पे, कितने लोग आए हैं यहाँ पे घूमने। गाइस हम पहुंच चुके हैं टेना पानी का मिड पॉइंट में, पहाड़ों के बीचों बीच। अभी मैं जा रही हूँ ट्रैकिंग करते करते। इतना ऊंचा पहाड़ है ना, देख के मजा आ रहा है मेरे को। ऐसे जगह में आने बहुत ज्यादा मजा आता है। आप देखो ना, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ है ना, ओह मैं सांस भूल रहा है। और इतना सारा सामान जो है खुद के साथ रखना। थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे इतना सारा स्टोरीज है ना। एक हम लोग जब बहुत पहले आए थे, तब एक हमारा दोस्त, हम लोग ग्रुप में आए थे कॉलेज से, तो हमारा एक दोस्त वो ऊपर पता नहीं कैसे पहुंचा, ऐसे ऐसे उठ उठ के वो ऊपर पहुंचा, और फिर वो उतर नहीं पा रहा है बेचारा। चार घंटा लगा उसको उतरने में, और कोई उसको हेल्प भी नहीं करने का पता है। इतना बदमाश थे ना हम लोग। पीछे वाटरफॉल आप देख सकते हो, इतना खूबसूरत वाटरफॉल है। लॉल यो गाइस, पर इतना खूबसूरत है, मेरे को यहाँ पे नहाने का मन कर रहा है गाइस। और भी ऊपर जा सकते हैं, बट आई डोंट नो कैसे जाते। मेरा आवाज इको हो रहा है, ऐसे पहाड़ में जाके अटक रहा है और वापस आ रहा है मेरे पास। प्लीज सर, मैं तो पूरा सनबर्न हो चुकी हूँ आज, सन की सन बात सब कुछ हो चुकी। वाओ इतना सुंदर। दिस इज टेंगा पानी यू गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप देखो मेरे चारों तरफ इतना खूबसूरत नजारा है ना, मजा आ रहा है। और हवा तो आप देख ही सकते हो, इतना सुंदर है। ओ माय गॉड, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कौन सा प्रदेश विदेश में आ चुकी हूँ। ऐसा हमारे असम में भी इतना खूबसूरत जगह है। मेरे चारों तरफ इतना सुंदर सुंदर, इतना बड़े बड़े पहाड़ है ना, देखो अब इतना मजा आ रहा है मेरे को। बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। अगर आप कभी यहाँ पे नहीं आए हो तो जरूर आओ, यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको। जो आपको अंतरात्मा में सुकून मिलेगा ना, वो मैं नहीं बयां कर सकती आपको बता के। तो आप जरूर यहाँ पे आओ और मजे करो। और हाँ, ग्रुप में आना तो बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक है। लड़का लड़की आप कोई भी आ सकते हो, बस थोड़ा सेफ्टी मेंटेन करना, बाकी फुल ऑन मस्ती करो गाइस। इतना टाइम धूप में था यहाँ पे, अगर मैं अभी बैठी तो क्या होने वाला है, कमेंट्स में बताओ। हम गए थे उल्टा रास्ता में, सीधा चले गए थे, लेकिन असली रास्ता तो ये है। यहाँ पे जाना होता है गाइस, ये यहाँ पे जाके एक ब्रिज मिलेगा आपको, वो ब्रिज को क्रॉस करके पूरा का पूरा टी गार्डन है। एक...
কাপড় লাগতো কি করুম দাঁড়া আমি আমি ব্লগিং করছি দাঁড়া ব্লগিং করে নি দাঁড়া তোকে নি হ্যাঁ তোকেও নিব ব্লগিং এ নিয়ে আসে আরে ইউ লুকিং প্রিটি প্রিটি ইউ লুকিং প্রিটি ম্যান ইউ লুকিং সুন আই এম টেলিং ইউ নো আই এম টেলিং ইউ নো ইউ লুকিং নাইস I am telling you, no, I don't lie, okay? अभी मुझे लगा है बहुत ज्यादा भूख तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ एक वाटर पार्क रिजॉर्ट कम ढाबा में खाने के लिए तो এখানে বয়ারিসি এনারে ভিডিও কল করি তো এনারে ভিডিও কল করলাম আজকে মজা লেগে গেছে এত তামাম ব্লগিং করেছিলাম মজা লেগে গেছে এটা যদি ভাইরাল হয়ে যায় না মজা লেগে যাবে একদম তোর ফোর মানে ব্লগিং করছি মজা লেগে গেছে হ্যাঁ স্কুটি লই আইছি একা না আমার লগে একজন এসছে ফ্রেন্ড আর কি তো আমি ভেবেছিলাম বাইকে আসবো তো বাইকটা সার্ভিসিং এ দিয়েছে মানে রাইডিং ব্লগ বানাবো আর কি বাট রাইডিং হয়নি এত ধূপ বানিয়েছি অল্প স্বল্প ওগুলো তো দেখবি তুই ব্লগ তো দেখবি কে তিমি লাই মেরো ইয়াদ আওন দায় না রা जितना मेरा मम्मी डैडी ने डांटते उससे ज्यादा तो तुम डांट देते हो बात काम नहीं है का निकल ले यहां से तो गाइस अभी खाना खाने के लिए मैं आई हूँ दिस ब्यूटीफुल सा वो नाम है वाटर फ्रंट रिजॉर्ट इन ढाबा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत व्यू है वहाँ पे एक बोटिंग का वो भी है सेक्शन भी है तो रिसेप्शन में बैठे हुए हैं उनसे जाके पूछते हैं कि यहाँ पे बोटिंग वगैरह है कि नहीं और जो वेज थाली मैंने ऑर्डर किया है वो उसका प्राइस कितना है यही है हमारा जो रिसेप्शन में बैठे है भैया बहुत ही अच्छे है प्यारा सा स्माइल है तो भैया बता दीजिए जो मैंने वेज थाली ऑर्डर किया है और चिकन ऑर्डर किया है उसका प्राइस कितना है आप बता दीजिए इतना चीप इतना चीप में इतना ज्यादा अच्छा पूरा घर का खाना जैसा सच में ओके 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 okay. अच्छा अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी था और चिकन का प्राइस कितना था चिकन का प्राइस 170 और मैंने यहाँ पे देखा कि वहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है तो अभी बोटिंग चालू है अभी बोटिंग चालू होगा थोड़े दिन के बाद पानी साफ है कि गंदा है साफ है लेकिन हम प्यूरिफाई करना पड़ेगा आप कितना कितना टाइम पे प्यूरिफाई करते हो ये वाटर 3 महीने के बाद प्यूरिफाई करने के लिए हम डालते हैं यहाँ सुपर परमैंगनेट सुपर परमैंगनेट ओके okay. कुछ मेडिसिन्स वगैरह डालते हो जाते हैं पानी साफ रहे ए एटू रिसॉर्ट है ना अच्छा अच्छा बनाइस है ओपनिंग की तो ठीक भागे ना है अच्छा ये तो हमने देखते थे कि ये खाली किचन टाइप तो होगा और ये तो बाथरूम के लिए तो भीतर तो ओके ओके यहाँ पे बेड होगा यहाँ पे किचन होगा ये वॉशरूम है तो ये एक रिजॉर्ट जैसा हट जैसा बनेगा यहाँ पे अभी भी ओपनिंग हुआ नहीं है बस बन रहा है আপোনাৰ ৰিজৰ্টৰ নাম কি ৰিজৰ্টৰ নাম ৱাটাৰফ্ৰণ্ট ধাবা এণ্ড ৰিজৰ্ট ওকে ইমান ভাল লাগিছে আহি ইয়াতে ধুনীয়া হয় ন ভিউটো বহুত বঢ়িয়া ওকে এইটো পুৰা জেগাটো লৈ আপুনি বনাব ন भैया जो है इतना टैलेंटेड है ना ये पहले डिफेंस में थे और डिफेंस छोड़ के वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आके रिसॉर्ट स्टार्ट किया है मैं सकोरी पाए तो करने जो आना है मैं व्यवसाय करी ভাল পাও আর বিজনেস তো ভাল নিজে কষ্ট করি দুই পয়সা ইনকাম করিলে নিজৰ কাৰণে ভাল তো এখানে মানে ভাইছো এটোৱে ভালকে কৰো অলপ ডেভেলপ কৰিলে আৰু মানুহবিলাক আহি ভাল পায় আমাৰ অসমো ইমান ডেভেলপ হ'ব ন এনিও ইমান ডেভেলপ হৈ আছে আৰু আপোনালোকে কাম ভালকে কৰিলে আৰু বেছি ডেভেলপ হ'ব ন ঠিকে আছে ভালকে কৰক আপোনাৰ বিজনেছ যাতে বহুত আগবাঢ়ি যায় ময়ো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক কম যেনেকৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ডে মোক কৈছে আজি লৈ আহিছে বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি ময়ো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক লৈ আহিম আৰু আপোনাৰ উন্নতি যাতে হওক এটোৱে আশা কৰিছো অ'কে নাইচ লেটছ গো আপোনাক লগ পাব আহিছোঁ মানে কৈছে যে আপুনি মার্চেন্ট নেভিত আগতে আহি আছিলে মার্চেন্ট নেভিত কাম কৰি আছিলে এতিয়া এইটো এইটো এৰি থৈ আহি আপুনি ইয়াতে বিজনেছত লাগিছে এইটোৱে শুনি বহুত ভাল লাগিছে যে আমাৰ অসমটো ইমান ডেভেলপ হৈ আছে ইয়াতে আহি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি আহিছোঁ আৰু আহি খানা চানা খালোঁ ইমান টেষ্টি খানা ন তো সেইকাৰণে দাদাক লগ পালোঁ ভাল লাগিল মানে মানে ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে দাদাক লগ পালোঁ অ'কে অ'কে তো আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে নে আপুনি দেখোতে ইমান ধুনীয়া আপোনাৰ ফেমিলি নগাঁৱৰ হয় বেষ্ট উইচেছ আপোনালোকৰ কাৰণে ভালকে চলাওক বিজনেছটো যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায় আপোনালোকে আৰু আমিও আহি থাকিম ইয়াতে আৰু ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ আৰু আবি মই ৱাপছ যাই আহিম ঘৰ আৰু যাতে যাতে মুঝে দি দিয়া যে খুব সুন্দৰ সা ৰেইনবো তো আপ কমেন্টছ মে বতাও কি আপকো ৰেইনবো পছন্দ হ্যা কি নেহি গাইস ইতনা সুন্দৰ ৰেইনবো